नमस्कार दोस्तों दोस्तों वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, आज मैं एक आवाज़ उठा रहा हूँ उस बहन के सपोर्ट में जो बहन अब इस दुनिया में नहीं है। आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ उस गरीब परिवार के सपोर्ट में जो परिवार आज भी रो रो कर अपनी ज़िंदगी का जो तमाशा है वो देख रहा है। दोस्तों वैसे तो मुझे गर्व होता है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन आज मुझे काफ़ी शर्म और डर महसूस हो रही है कि मैं उस उत्तराखंड में रह रहा हूँ जहाँ की आने वाले कुछ समय में बहुत ही खतरनाक स्थिति होने वाली है। यानी कि आज मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी की। दोस्तों अंकिता भंडारी वो लड़की है जो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है कि ये घटना उत्तराखंड में हुई, लेकिन आज मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड में भी आज वो हैवानियत पहुँच चुकी है जो कि दिल्ली जैसे महानगरों में होती है। दोस्तों मैं सरकार से एक ही विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जिसने भी ये घटना की है उसको तुरंत फांसी दे दो। देखो उसको जेल में रख के कुछ नहीं होने वाला है। हम क्या करते हैं, किसी के साथ घटना होती है हम आवाज़ उठाते हैं इंसाफ दो इंसाफ दो। मुझे सीधे एक ही बात बोलनी है कि ये इंसाफ मांगने से कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द उस गुनाहगार को फांसी दी जाए। और मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ बीजेपी सरकार से, क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया है और आज मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपने उन दरिंदों को फांसी नहीं दी तो मुझे काफ़ी शर्म महसूस होगी। दोस्तों मैं आज आप लोगों से यही बात कहता हूं कि ये घटना हमारे उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। काफ़ी निर्दय निंदनीय घटना है, क्योंकि यार हमारी भी बहनें हैं आपकी भी बहनें हैं। मैं ये वीडियो कोई व्यू पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो लाइक नहीं करनी है, बल्कि आप लोगों को आवाज़ उठानी है और ये वीडियो उस सरकार तक जानी चाहिए जिसको कि हमने बेधड़क होकर दिल से जिसको सपोर्ट किया था। अगर वो सरकार आज उन गुनाहगारों को फांसी नहीं देती है तो मैं आवाज़ उठा के बोल सकता हूँ कि शर्म है और धिक्कार है मुझे ऐसी सरकार पे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, कृपया आप तुरंत एक्शन लीजिए और इस घटना का जो भी आरोपी है उनको तुरंत से तुरंत फांसी चढ़ा दीजिए। फांसी से ज़्यादा उनके लिए कोई भी सज़ा नहीं है, फांसी चलनी चाहिए। अगर फांसी मिलेगी तभी आगे कोई ऐसे गुनाह करने से 100 बार सोचेगा। यदि आप फांसी नहीं दोगे तो ये चीज़ें हमारे उत्तराखंड में होना नॉर्मल हो जाएगी। न जाने उसके बाद कितने गरीब घर की बच्चियाँ अपने को सेफ महसूस नहीं करेगी। मैं जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया उन गुनाहगारों को जल्द से जल्द फांसी दो, क्योंकि फांसी से बढ़कर उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। अगर आप फांसी नहीं देंगे कल के दिन आपकी बच्चियाँ भी इसी घटना का शिकार बनेगी, क्योंकि आज तो आप कुर्सी पर बैठ रखे हो, आज आपकी पावर है, लेकिन ये सत्ता बार बार नहीं रहेगी। आपको भी एक दिन धरातल पर ही रहना पड़ेगा और हमारी तरह ही नॉर्मल ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तब जब आपकी बच्चियों के साथ ऐसा होगा उसके बाद आप बोलोगे कि काश हम उस दिन वो फैसला सही कर चुके होते। इसीलिए मैं सरकार में जितने भी तमाम मंत्री बैठे हैं अंकिता भंडारी को अपनी बच्ची मानकर उसको इंसाफ दीजिए। जितना आपको अपनी बच्ची का बुरा लगता है उतना ही उस बहन का बुरा आपको लगना चाहिए, और जितनी पीड़ा है वो पीड़ा तभी ख़त्म होगी जब उन गुनाहगारों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे शर्म आ रही है कि आज देवभूमि उत्तराखंड में भी ऐसे काम होने लग गए हैं जिसको हम देवभूमि कहते हैं, देवताओं की भूमि कहते हैं, लड़कियों को हम लक्ष्मी मानते हैं, माँ का रूप मानते हैं, उन माताओं के साथ ऐसा हो रहा है, उन बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द उन गुनाहगारों को फांसी दो, क्योंकि जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी है मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे पहाड़ों के हर घर में हो सकता है। जितने भी लोग हैं आप लोग इसको मेरी धमकी समझिए या आप लोग मेरा निवेदन समझिए। मैं आवाज़ उठाता हूँ उस बहन के सपोर्ट में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बहन के सपोर्ट में आवाज़ उठाइए। हमसे जितना भी हो सकता है हम पूरा करेंगे, लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें उस चीज़ के प्रति भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं जितने भी मेरे ब्लॉगर जानने वाले दोस्त हैं सभी मित्रों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया अंकिता बहन के सपोर्ट में आवाज़ उठाइए ताकि अंकिता बहन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है। मैं बहुत ये सोच रहा हूं कि यार जब ये चीज़ें वहां हो सकती है तो ये हमारे घर में भी होना बहुत नॉर्मल है। अब कृपया जल्द से जल्द उस बहन को इंसाफ दो, अन्यथा हम और ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। हम कानून से पूरी उम्मीद रखते हैं, सरकार में बैठे सभी मंत्रियों से पूरी उम्मीद रखते हैं आप कोई अच्छा फैसला हमारे हित में देंगे, उस बहन के हित में देंगे और अपने बेटियों के हित में देंगे। अगर आपने आज उन आरोपियों को छोड़ दिया तो ये चीज़ें आपके बेटियों के साथ भी होना पक्का है। कृपया आप जितने भी आदरणीय सम्मानित लोग जिनको हमने दिल से चुना है, हमें यह कहने पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमने जिस सरकार को चुना है वो हमारी माताओं बहनों के हित में भी कार्य कर रही है, तो जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी दे दी जाए।
फांसी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो जड़ है इसी जड़ को ख़त्म कर दो, ताकि ये जो राक्षस का पेड़ है ये पेड़ ज़्यादा ना बढ़े। आज अगर आप जड़ ख़त्म नहीं करोगे तो ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और न जाने कितने गरीब परिवारों को अपनी चपेट में ले लेगा। कृपया आपसे मैं विनती करता हूँ, अंकिता बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो।